सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पेट में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 14 वर्षीय बालक को चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने लाख घूसों से बेदम बिठिया। जैसे ही इस घटना की वीडियो वायरल हुई, तत्काल सरगुजा के एसपी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कृत्य में सम्मिलित लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश सीतापुर थाने को दिया। सरगुजा एसपी के निर्देश पर सीतापुर पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपियों की पतासाजी कर उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। वहीं सरगुजा एसपी ने आम लोगों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाओं में अपना आपा न खोएं। जब भी कुछ इस तरह का मामला सामने आता है, तत्काल थाने को सूचित करें, अन्यथा इस तरह के कार्य में सम्मिलित लोगों के ऊपर भी पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट। जी बता देंगे सर, एक वीडियो सामने आया है, पिटाई हो रही। सीतापुर थाना क्षेत्र के पेट नामक गांव में एक बच्चा जो था वो उसके द्वारा पड़ोसियों के घर से कुछ चोरी किया गया था, सामान वगैरह। तो उसी में वो लोग पुलिस को सूचित ना करके उसी बच्चे से वो पूछताछ के नाम पर उसके साथ मारपीट की है, जो पड़ोसी जिनके यहाँ चोरी हुई थी। तो ये जैसे ही हम लोग संज्ञान में आपके माध्यम से लाया गया, तुरंत उसमें पुलिस भेजी गई है और उनको जो संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने नाबालिग के साथ मारपीट की है उसमें सुसंगत धाराओं में जो है कार्रवाई की जा रही है। और मेरी अपील यही है कि अंदरूनी जो गांव है, कई बार अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, तो लोग उसमें आपस में ना झगड़े, उसको मुद्दे को पुलिस तक लेके आए या प्रशासन के जो नुमाइंदे उनके माध्यम से उन मुद्दे को सॉल्व करा लें। क्या है, खुद से कानून हाथ में उठाने से उनको कानून से सजा मिलने का प्रावधान है। तो मेरी अपील यही है कि लोग खुद कानून अपने हाथ में ना उठाएं। गांव देहात में यदि कभी कोई छोटा मोटी बात विवाद हो जाता है चोरी चकारी के ऊपर, तो उसकी सूचना पुलिस थाना में दे दें और जिससे कि पुलिस उनकी तत्काल सहायता जो है प्रदान करे। सर, कुछ बात निकल कर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस को इसकी सूचना मिली थी पिटाई की, तो थाने से समझाइश देकर छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इस तरह का नहीं होता है। कभी कभी बच्चों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस बहुत ही संवेदनशील है, बच्चे और महिला के मामले में। यदि पुलिस में कोई भी मामला हमारे संज्ञान में कभी भी आएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी।